फैंस के पीछे कुछ इस तरीके के होल्स क्यों होते हैं एंड घोड़ों की आंखों पे इस तरीके के कवर्स क्यों लगाए जाते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से सोने के कारण आपके बॉडी को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है एंड साथ साथ गलत तरीके से पानी पीने से आपके शरीर को क्या हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग ऐसी बहुत सी चीज़ें जानने वाले जो कि आप हर रोज गलत करते हो एंड साथ ही साथ कई ऐसी चीज़ें जिनके कि मतलब से किसी को कोई मतलब ही नहीं होता। सो गाइस मैं हूं निरोध एंड आप लोग देख रहे हो फैक्टोस का यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन। नंबर वन, ड्रेनेज होल्स के कवर सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर क्यों होते हैं, आखिर क्यों किसी और शेप को यूज नहीं किया जाता है। सो गाइस पहले सर्कुलर नहीं बल्कि स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप के कवर्स को यूज किया जाता था, बट अगर रिपेयरिंग के टाइम कभी इनको खोला जाता था तो ये टेढ़े होने पे उसके अंदर गिर जाते थे एंड जिसके कारण अगर कोई बहुत ही ज्यादा तैयार होकर बाहर पैदल घूमने के लिए निकलता था तो उसको मेकअप की एक बहुत ही अच्छी लेयर मिल जाती थी जो कि ब्लैक कलर की होती थी मेनली। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए इस कवर को सर्कुलर बना दें। जैसा कि आपको पता होगा कि सर्कल का कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, इस कारण से इसको कितना भी टेढ़ा करो ये अंदर नहीं गिरता है। नंबर टू, फोन्स में कुछ इस तरीके की लाइंस क्यों होती है। सो गाइस ये जो लाइंस होती हैं ये फोन के डेकोरेशन के लिए नहीं होती हैं, ये होती हैं फोन की एंटीना लाइंस एंड इनका काम होता है नेटवर्क को कैच करना। अगर आप लोग इनको अपने हाथ से कवर भी कर दो तो भी जो नेटवर्क है वो पुअर हो जाएगा एंड अगर इस टाइम पे आप लोग एक स्टूडेंट हो एंड ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करते हो तो ये आपके बहुत ही फायदे में आ सकता है। अगर आपके टीचर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछती है सो आप लोग सिंपली इन लाइंस को कवर कर सकते हो जिस कारण से आपका नेटवर्क पुअर हो जाएगा एंड आपकी आवाज ब्रेक होकर जाएगी जिस कारण से टीचर किसी और को क्वेश्चन पूछ लेगी। नंबर थ्री, घोड़ों की आंख पे कुछ इस तरीके के कवर्स क्यों लगाए जाते हैं। सो गाइस आपको तो पता ही होगा कि हॉर्स एक ऐसा एनिमल होता है जो कि अपने सराउंडिंग से बहुत ही आराम से डिस्टर्ब हो जाता है एंड इस टाइम पे अगर कोई इसके ऊपर बैठा हो तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो उसका क्या हाल होगा। सो इसीलिए जिससे कि हॉर्स का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ सामने के रास्ते पर है उसकी आंखों को कुछ इस तरीके से कवर कर दिया जाता है। नंबर फोर, पेंस के पीछे कुछ इस तरीके के होल्स क्यों होते हैं। सो गाइस ये जो होल्स होते हैं ये रेगुलर एयर फ्लो में मदद करते हैं पेन को एंड जो पेन होती है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसमें हवा हमेशा आती जाती रहे एंड कई बार आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आपका पेन पॉकेट में रखे रखे लीक हो जाता है एंड इसका भी कारण यही होता है कि ये जो होल्स होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं जिस कारण से जो हवा है वो पेन के अंदर नहीं जा पाती है। बट गाइस इंडिया में पेंस को और भी कई पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है, आप खुद ही देख लो। नंबर फोर, सो गाइज ये चीज़ तो आपने ज़रूर नोटिस की होगी जो कार्स के विंडशील्ड्स होते हैं वो ट्रक और बस के विंडशील्ड से बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं, बट आखिर क्या कभी भी आपने इसके पीछे छुपे हुए मीनिंग को जानने की कोशिश की है। सो गाइज ये जो टिल्टेड विंडशील्ड्स होते हैं ये कार में इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो कार का एटमोस्फियरिक प्रेशर है वो कम हो जाए जिस कारण से ये जो कार्स हैं ये फास्ट स्पीड में चल पाएँ एंड वहीं आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी जो स्पोर्ट्स कार होती हैं उनमें विंडशील्ड्स कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी होती हैं, ये इसलिए होता है जिससे कि अपने टॉप स्पीड तक जा पाए एंड इनका पिकअप बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाए एंड अगर वहीं ट्रक और बस में ज़्यादा स्पीड देने की कोशिश की गई तो इनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए इनकी विंडशील्ड्स फ्लैट होती हैं। नंबर फाइव, सो गाइस हम सबके बॉडी को नींद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट अगर आप लोग सोते टाइम अपनी पोजीशन को ठीक से नहीं रखते हो तो इसके भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स आपको अपने बॉडी में देखने पड़ सकते हैं। सो गाइस आपको तो पता ही होगा कि हम सबके पेट के अंदर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एंड जब आप लोग गलत तरीके से सोते हो तो ये जो HCl होता है ये आपके फूड पाइप में पूरी तरीके से फैल जाता है जिस कारण से धीरे धीरे ये आपके बॉडी को अंदर से डैमेज करता है, इसलिए हमेशा आपको सोते टाइम लेफ्ट साइड से टर्न लेके सोना चाहिए जिस कारण से ये जो एसिड है ये वहीं पर रहे अपनी प्रॉपर जगह पर रहे, क्योंकि इस एसिड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फूड को डाइजेस्ट करते टाइम एंड अगर आप लोग गलत तरीके से सोते हो सो आप लोग को दिन भर लेजीनेस का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर सिक्स, सो गाइस स्मार्टफोन यूज़ करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट इसको गलत तरीके से यूज़ करना सच में बहुत ही ज़्यादा गलत है। सो गाइस हम सब लोग की एक बहुत ही बुरी आदत है कि हम सब लोग रात को सोने से पहले रूम की सारी लाइट्स ऑफ करके फ़ोन को यूज़ करते हैं, बट इसके काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स आपको अपनी आंखों पे देखने को मिल सकते हैं अगर आप लोग इस चीज़ को लगातार करते रहो। अगर आप लोग ऐसे करते हो तो जो स्मार्टफोन की लाइट होती है वो पूरी की पूरी आपके आंखों में जाती है बट एनवायरनमेंट की लाइट आपके आंखों में नहीं जा पाती है जिस कारण से आपको बहुत ही कम उम्र में चश्मा भी लग सकता है एंड आपकी आँखें डैमेज भी हो सकती हैं।
नंबर 7, सो गाइस ह्यूमन बॉडी को पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, बट अगर आप लोग खड़े खड़े ही पानी पी लेते हो या फिर एक ही बार में पूरे के पूरे बॉटल का पानी खत्म कर देते हो तो इसके भी काफी सारे साइड इफेक्ट्स आपको झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि इसके कारण जो पानी का फ्लो होता है वो सीधे आपके इंटेस्टाइन के पास रहता है। कई लोग की आदत होती है कि वो लोग खाते खाते ही पानी पीते हैं, बट इसके कारण आपको कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पेट में HCL होता है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, एंड अगर आप लोग ऐसे में पानी पी लो तो वो जो एसिड होता है वो डायल्यूट हो जाता है, यानी कि उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, एंड आपको डाइजेशन से भी रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। सो इस बेस्ट वे कि अगर आप लोग खा रहे हो तो उसके 45 मिनट्स पहले एंड 45 मिनट्स बाद ही पानी पियो। सो गाइस फैक्ट्स तो यहीं पे खत्म होते हैं, बट अब बारी है कुछ फनी मीम्स की। नंबर 1, पूर्व विधायक के पुत्र के सास के पड़ोसी का बेटा। वाह भाई वाह, क्या रिश्ता है ये। गाइज ये बात तो मानी पड़ेगी कि जहाँ दूसरे कंट्रीज में स्टिकर्स का यूज किया जाता है, हमारे कंट्री में 3D टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। एग्जाम में मेरी भी हैंडराइटिंग कुछ इसी तरीके की होती है, और ये जो कीड़ा ये तो सच में बहुत ही ज्यादा जीनियस है, बट इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। अगर आप लोग उसको ढूंढ सको तो कमेंट में जरूर लिखना। सो गाइज आज के इस वाले वीडियो में इतना ही।